kth largest element in an array, तो हमने हीप देख लिया था, हीप डेटा स्ट्रक्चर, और टू टाइप्स ऑफ हीप है, मैक्स हीप, मीन हीप। तो ये हमने देखा था मैक्स हीप कौन सा है, मीन हीप कौन सा है, और प्रायोरिटी क्यू क्लास है जो कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है हीप डेटा स्ट्रक्चर की। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर प्रायोरिटी क्यू क्लास है, ठीक है। तो हमने एक बात देखी थी, प्रायोरिटी क्यू क्लास नॉर्मल क्यू से कैसे डिफरेंट होती है, नाम से समझ रहा प्रायोरिटी, जो कि प्रायोरिटी पे बेस है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो प्रायोरिटी वाइज स्टोर नहीं होंगे, लेकिन जब भी रिट्रीव करेंगे ना तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो रिट्रीव होगा पहले, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्यू मेन हीप होता है, ठीक है। तो उसको अपन मैक्स हीप भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, ये हमने देखा भी था, ठीक है। ये देखा, ये देखो, द एलिमेंट्स ऑफ द प्रायोरिटी क्यू मे नॉट बी सॉर्टेड। तो जो भी अपन एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करेंगे वो मे नॉट बी सॉर्टेड, वो सॉर्टेड हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट जब भी अपन उसको रिट्रीव करेंगे ना तो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मीन हीप होता है, यानी जब भी रिट्रीव करेंगे ना तो सबसे छोटा एलिमेंट रिट्रीव होगा, उसको फिर पॉप करने के बाद और रिट्रीव करेंगे तो सेकंड रिट्रीव होगा। ये हमने देखा भी था 271494, यहाँ पे हमने कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर किया है। तो हमें सबसे पहले तो जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 9 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमने मैक्स हीप बनाया, तो वो रिट्रीव होगा। तो ये देखा था हमने प्रायोरिटी क्यू के मेथड्स कौन थे, ऐड, रिमूव, पिक, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन, ऐड की, रिमूव की, पिक की, ओ ऑफ वन। रिमूव कौन सा होगा, जो भी मैक्स एलिमेंट है वो रिमूव होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था प्रायोरिटी क्यू मीन हीप, मैक्स हीप कैसे बनाते हैं, कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर या कंपैरेटर का डायरेक्टली यूज़ करके। तो ये सब हमने ऐड, रिमूव, पिक किया था। रिमूव की जगह तुम पॉल भी यूज़ कर सकते हो, पी ओ डबल, वैसे ही सेम। अभी प्रायोरिटी क्यू तुम कोई इंटीजर की बना रहे हो, बिल्ड इन क्लास की बना रहे हो ना, तो वो जो बिल्ड इन क्लास है वो इम्प्लीमेंट करता है कंपेरेबल इंटरफेस को, और जिसके अंदर कंपेयर टू मेथड है जो कि सॉर्ट का लॉजिक डिफाइन करता है, यानी कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है। अगर उसको समझ गया कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है तो बता सकता है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी कम है। लेकिन तुम कोई बिल्ड इन क्लास बनाओगे, लेट्स से स्टूडेंट, और तुम प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्टूडेंट बनाओगे तो उसको मालूम ही नहीं कि कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है। स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो रैंक के बेसिस पे करना है, रोल नंबर के बेसिस पे करना है, नेम के बेसिस पे करना है, तो ये हमें बताना पड़ेगा। उसके लिए हम कंपेरेटर और कंपेरेबल इंटरफेस का यूज़ करने वाले, ओके। जिसके अंदर हम कंपेयर, कंपेयर टू या कंपेरेटर करेंगे तो कंपेयर मेथड है जिसके अंदर हम बताएंगे कि कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है। एक बार समझ गया उसको कि कंपेयर कौन से बेसिस पे करना है तो वो एक प्रायोरिटी डिफाइन कर सकता है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी kth एलिमेंट निकालने का अपने को, तो ये लीट कोड का सबसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। तो लीट कोड का ही क्वेश्चन है, तो हमें गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एन इंटीजर k, रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे, नोट दैट kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर, नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट। समझ गए हमको क्वेश्चन से, kth लार्जेस्ट होना नंबर, डिस्टिंक्ट नहीं होना। जैसे इसको अपन सॉर्टेड करेंगे 3 2 3 1 2 4 5 5 6, तो रिवर्स ऑर्डर क्या आएगा, 6 5 5 4, और जो फोर्थ है यानी फोर्थ लार्जेस्ट होना तो वो आंसर आएगा 4। तो यही क्वेश्चन है, डिस्टिंक्ट नहीं होना, kth लार्जेस्ट एलिमेंट होना। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो दिमाग क्या चल रहा है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट होना, तो सबसे पहले तो सॉर्टिंग कर लेंगे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, पहला तो दिमाग वही चल लेंगे ना, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये नम्स को अपन सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट एन एरे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, और फिर फॉर लूप लगा से पीछे से अपन फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही आएंगी। मैंने क्या बताया, हीप दिमाग में कब आएंगे, कभी भी सॉर्टिंग का ही क्वेश्चन है तो सोचो कि अपन हीप लगा सकते क्या, क्योंकि सॉर्टिंग में क्या होता है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू हीप में क्या होता है, जब भी अपन एलिमेंट रिट्रीव करते हो सॉर्टेड ऑर्डर में आते, यानी जब भी कोई सॉर्टिंग का क्वेश्चन है तो सोचो हीप लगा सकती है, ठीक है। बिकॉज वेन वी रिमूव एलिमेंट वी गेट द एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर, ये अपने को मालूम है। मिनी रहेगा तो मिनिमम एलिमेंट आएगा, मैक्स हीप रहेगा तो मैक्सिमम एलिमेंट आएगा, तो सोचो कि हीप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। और मैंने ये देखो, ये मैक्स हीप, ये मिनी हीप, अभी का एक इजी एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 5, तो मैक्स हीप में इसको अभी का स्टैक के जैसा इमेजिन करो, तो 1 2 3 4 5 है, तो अपन अगर मैक्स हीप में एलिमेंट डालेंगे ना तो हमेशा मैक्स एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी,
वो हमेशा टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया। ठीक है, और वैसे मेन एलिमेंट है, हमने 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया। अभी कैसे, सिर्फ एक इमेजिन करने के लिए मैंने एक ऐसा बना दिया, वो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है यानी हीप, उसके अंदर जो एलिमेंट हम स्टोर करते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी रिट्रीव करेंगे ना तो सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई ऐड करने के पूरे एलिमेंट एन लॉग एल, है ना, हम एन टाइम्स एन एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो एन लॉग एन एक वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई एन लॉग एन। तो मैंने बता दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, जैसे पहला एलिमेंट डाल रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल हमारी प्रायोरिटी क्यू अभी एम्प्टी है और हम कोई पहला एलिमेंट डाल रहे हैं, तो तब तो कुछ है ही नहीं, तो ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी। लेकिन अभी कोई सेकंड एलिमेंट डाल रहे हैं तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएंगी, जितने एलिमेंट तुम्हारे प्रायोरिटी क्यू के अंदर है उतने, है ना, लॉग इन टू लॉग के। जैसे एग्जाम्पल के एलिमेंट इसके अंदर है तो लॉग के अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वैसे ही दो एलिमेंट है तो ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगी। अभी के टू हो गया, फिर के थ्री हो गया, फिर के फोर हो गया, तो हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करते हैं, दैट इज अभी एन एलिमेंट है और एन लॉग एन और एन टाइम्स हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी है प्रायोरिटी क्यू की साइज़ फिक्स नहीं है, पहले 1 थी, फिर 2 थी, 3, 4, 5, तो हम मैक्सिमम वर्स्ट केस वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करते हैं, दैट इज एन लॉग एन। लेकिन हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकलना है, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग के में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सोचो। तो अभी हम क्या कर रहे थे, पहले हम सब एलिमेंट ऐड कर रहे थे, यानी हम जितने भी एलिमेंट है ना ऐड कर देंगे। ओके, जैसे मैक्स हिप बना रहे थे तो पूरे एलिमेंट ऐड कर दिया, मेन हिप बना रहे थे पूरे एलिमेंट ऐड कर दिया, तो अभी हमें kth लार्जेस्ट होना यानी सेकंड लार्जेस्ट होना। ओके, लेट से तुमने मैक्स हिप बनाया, तो तुमको मालूम है जब भी तुम सेकंड एलिमेंट रिमूव करोगे ना, सेकंड एलिमेंट रिमूव करोगे ना, तो तुमको मैक्सिमम मिल जाएगा सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि मैक्स हिप है। जब भी फर्स्ट रिमूव करोगे, ये पता है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट शो हो रहा है वो सॉर्टेड में नहीं है, लेकिन रिमूव करोगे ना तो सॉर्टेड में आएगा। मैक्स हिप में रिमूव करोगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, मैक्स एलिमेंट बाहर आएगा। तो जब भी फर्स्ट टाइम सॉर्टेड करोगे तो 5 निकल जाएगा, सेकंड टाइम सॉर्टेड करोगे तो 4 निकल जाएगा, और 4 ही आंसर है, क्योंकि फॉर लूप लगा के हम तुम ऐसा कर सकते हो, वैसे मेन हिप पे भी कर सकते हो। जितने भी तुम्हारी एरे की साइज़ है उतने तुमने एलिमेंट तो ऐड कर ही दिया, तो एरे की साइज़ -2, 5 -2 3, तो तुम क्या देखोगे, थर्ड लार्जेस्ट देखोगे, तो वही आंसर आ जाएगा तुम्हारा, वैसे ही हो जाएगा। सॉरी थोड़ा गलत बता दिया, ये देखो एरे क्या है, 1 2 3 4 5, तो सेकंड लार्जेस्ट होना मतलब कौन सा होना, फोर्थ स्मॉलेस्ट, तो तुम वैसे इसको कर सकते हो, फोर्थ स्मॉलेस्ट होना मतलब के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो तुम वैसा सेम कर सकते हो लॉजिक यहाँ पे मेन हिप के लिए। जैसे यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 हो, तुम सेकंड एलिमेंट पॉप करोगे वो वाला तुम्हारा आंसर रहेगा, यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट पॉप करोगे तो वो वाला आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही हो रही है ना, हम पूरे एलिमेंट ही प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएंगी, लेकिन हम मैक्स हमारे हीप में के एलिमेंट ही रखे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग की हो जाएंगी। क्योंकि मैंने क्या बोला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, कोई भी एलिमेंट तुम ऐड कर रहे हो तो हीप के अंदर कितने एलिमेंट है, जैसे के लॉग के एलिमेंट है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग की हो जाएंगी, और वही तुम्हारी जो भी प्रायोरिटी की उसकी साइज़ फिक्स है, और वही ऑपरेशन तुम एन टाइम्स कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन इंटू लॉग के। तो लेट से अभी आ रही है तुम्हारा 1 2 3 4 5, के इज इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले तो देखेंगे हमारी के की साइज़ कितनी है। ठीक है, सबसे पहले 1 ऐड कर देंगे हम मेन हिप बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका आंसर मेन हिप से आएगा। कैसे आएगा ये देखो, पहले 1 ऐड कर दिया, फिर हमने 2 भी ऐड कर दिया, तो 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हमने ऐसा दिखाने के लिए सिर्फ 1 ऊपर रखा है। ठीक है, फिर बाद में हमने 3 ऐड कर दिया, 1 2 3, अब देखा हमने साइज़ क्या है, ग्रेटर देन किया तो पॉप कर देंगे, और हमें मालूम है रिमूव करेंगे, पॉप या रिमूव सेम ही, तो रिमूव करेंगे तो जो भी प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है ना वही निकलने वाला है। हमने मेन हिप चूज़ किया है तो 1 निकल जाएगा वैसे ही, फिर 4 ऐड कर देंगे, साइज़ क्या है ग्रेटर देन किया है, तो डबल से पॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे।
तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो रिमूविंगा, मेनी पर प्रायोरिटी 2 की ज़्यादा है। तो वैसे ही अभी 5 ऐड करेंगे और 3 को पॉप करेंगे क्योंकि साइज ग्रेटर देन के है, और अभी अपने को आंसर मिल जाएगा पीक गिव्स द आंसर जो कि 4 है, सेकंड लार्जेस्ट। तो मेरे ख्याल से समझ गया होगा तुमको इसको एनलॉक के में करना है ना, तो मेन हीप यूज़ करोगे। तुम इमेजिन करो मैक्स हीप कर रहे हो, मैक्स हीप बना रहे हो तुम, ठीक है, तो वो आंसर आएगा ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम मैक्स हीप बनोगे और तुमको एनलॉक के में आंसर चाहिए ना, तो जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है वो ऊपर आ जाएंगे और वही पॉप हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, तो वो पॉप नहीं होने को ना, लेकिन उसके ऊपर के पॉप हुए तो चलता है हमें, तो हम मेन हिप बनेंगे उसके कारण, क्योंकि हमें आंसर एनलॉक के में होना। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनलॉक के क्यों आई, ये देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारा अभी साइज़ कांस्टेंट हो गया है, जो भी हमारी प्रायोरिटी की है उसका साइज़ जो भी ये फिक्स हो गया है, 3 हो गया है, हाँ मतलब 2 या 3, हम 3 एलिमेंट जैसे ही आ रहा है थर्ड एलिमेंट उसको पॉप कर दे रहे हैं, इसके ऊपर हम जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम जब भी अभी इसके अंदर 1 2 3 है, तो हमने देखा कि साइज़ ग्रेटर देन किया तो पॉप कर दिया, तो हम जो भी नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग एन या लॉग के। ये एन और के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ना कि तुम्हारे एक्चुअल एरे में कितने एलिमेंट है। तो इसके अंदर तो एक्चुअल में 2 ही एलिमेंट है ना, दैट इज़ के, तो वही हो गया है लॉग के। और यही अपन एन टाइम्स कर रहे हैं, क्योंकि एन टाइम्स एलिमेंट ऐड कर रहे हैं ना, तो एन इंटू लॉग के, ठीक है, वर्स केस में एन इंटू लॉग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसकी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन से एन लॉग के कर सकते हैं। ओके तो वही है, इफ़ देयर आर के एलिमेंट्स इन एन प्रायोरिटी क्यू एंड इफ यू आर एडिंग और रिमूविंग एनी एलिमेंट, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ दैट ऑपरेशन इज लॉग के। तुम्हारे प्रायोरिटी क्यू में के एलिमेंट ही है और तुम कोई भी एलिमेंट ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग के। वैसे ही इफ़ यू आर डूइंग दिस ऑपरेशन एन टाइम्स एंड योर प्रायोरिटी क्यू साइज इज फिक्स, तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू की साइज़ फिक्स है, जैसे हमारी इधर प्रायोरिटी क्यू की साइज़ फिक्स थी, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग की हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी क्यू की साइज़ फिक्स ही नहीं है, तुम हर एक एलिमेंट ऐड कर रहे हो, जैसे हमने पहले किया था, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 4 5 पूरे एलिमेंट ऐड कर दिए, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन लॉग एन हो गई ना, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो गई। तो वही हम यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी क्यू की साइज़ फिक्स रख रहे हैं, इसलिए हम एन लॉग के में आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो अब ये kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे देखने वाले हैं, क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। हमारे पास नम्स एरे है और इंट के है, तो सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर स्टोर कर रहे हैं हम प्रायोरिटी क्यू में, पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायो प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगा देंगे एरे के ऊपर, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 जब तक क्या लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अपने को ये आंसर एन लॉग एन में नहीं, एन लॉग के में होना, तो हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे और पूरे एलिमेंट हम ऐड नहीं करेंगे, मतलब पूरे एलिमेंट ऐड करेंगे लेकिन साइज़ हमारी फिक्स रखेंगे प्रायोरिटी क्यू की। हम देखेंगे कि अगर हमारी प्रायोरिटी क्यू की साइज़ ग्रेटर देन के हो गई तो हम रिमूव कर देंगे एलिमेंट जो कि हमने मेन हिप किया था, और ये हमने मेन हिप बनाया पे कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे लिख देता था, तो ये मैक्स हिप बन जाता था। मेन हिप बना दिया यानी प्रायोरिटी मिनिमम एलिमेंट की ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं क्यू के अंदर ऐड कर देता हूँ, ये पी क्यू है, तो पी क्यू डॉट ऐड, तो पी क्यू के अंदर मैं ऐड कर दूंगा नम्स ऑफ आई, हमने फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दिया है। ओके और अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि पी क्यू डॉट साइज अगर ग्रेटर देन के है तो पी क्यू डॉट रिमूव, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमने प्रायोरिटी क्यू बना दिया, यहाँ पे मेन हीप बना है, फॉर लूप लगा दिया नम्स पे, हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, अगर वो पी क्यू की साइज़ ग्रेटर देन के है तो अभी इधर रहेगा, ना तो वो ऐड करते रहेंगे एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 देखा, वो 1 ऐड किया, 2 ऐड किया और 3 भी ऐड कर लिया, और फिर देखा कि ग्रेटर देन के हो गई, तो जो भी मिनिमम एलिमेंट था वो
टॉप पे आता है वही रिमूव होता है, और ये पूरा ऐसी लूप चलेगा, और आंसर आखिरी में आंसर हमें क्या होना, पी क्यू डॉट पिक, तो वो आंसर होना हमें। तो अभी इसको रन करते हैं, तो ये देखो आंसर दोनों केस तो क्लियर हो गए, अभी सबमिट कर देते हैं। तो ये सबमिट हो गया, तो आई थिंक इट्स क्लियर। सो आई थिंक इट्स क्लियर, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हम मीन हिप कब लगेंगे, मैक्स हिप कब लगेंगे, ये लर्न नहीं करना है, खुद तुम इमेजिन करके देखो कि हम मीन हिप लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तुम के का यूज़ करो, वहाँ पे के गिवन है, तो के का यूज़ करके देखो, पूरे एलिमेंट ही ऐड कर दोगे ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जो प्रायोरिटी क्यू का साइज़ है वो फिक्स रख दोगे, और उस पर तुम कुछ लॉजिक लगाओगे, उस पर ही देखो कि अगर फिक्स कर दूंगा तो कौन सा हिप लगूंगा, मैक्स हिप बनूंगा कि मीन हिप बनूंगा, और फिक्स कर दूंगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एन लॉग के ही हो जाएंगी, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे कोई भी प्रायोरिटी क्यू में के एलिमेंट्स है और तुम कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग की होती है, और वैसे ही तुम्हारे प्रायोरिटी क्यू में तुम हर एलिमेंट ही ऐड कर रहे हो, तो जो मैक्स तुम्हारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाएंगी, तो हमें वो तो वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना हीप के भी वो तो हम कर ही सकते हैं, फिर एन लॉग एन में करना है तो एन लॉग के में करना है तो हम हीप यूज़ करेंगे, के का यूज़ करेंगे, और जो भी पी का वो आंसर मिल जाएगा। तुम डिफरेंट डिफरेंट केस से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब यही क्वेश्चन को तुम अलग ले से स्मॉलेस्ट एलिमेंट का भी करो और उसमें बताओ कि कौन सा हीप लगेगा, डायग्राम बना के देख लो, एक बार समझ में आ गया ना तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमें इसके अंदर मालूम है कि हम कौन सा स्टोर कर रहे हैं जो कि प्री डिफाइन है, ये हम प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर बनाए जो कि प्री डिफाइन है, ठीक है ना? अभी हमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, यानी अगर हमें खुद का क्लास बनाना पड़ेगा तो उसके अंदर हमें प्रायोरिटी बताना पड़ेगा कि प्रायोरिटी ऑन व्हाट बेसिस, तो हम वहाँ पे कंपेरेटर और कंपेरेबल इंटरफेस का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है?